हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर आ जाए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित दीक्षा प्रशिक्षण समूह में कार्य करना की प्रश्नोत्तरी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस प्रशिक्षण का लिंक भी देख सकते हैं तथा मेरे टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके भी मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समूह में कार्य का आकलन की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट लगेगा। समूह कार्य आकलन, पहला प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान शिक्षक कोई बात नहीं करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे। प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे तथा विद्यार्थियों से आग्रह पर सहायता करेंगे। छात्रों के द्वारा पूछने पर ही बात करेंगे। तो बी ऑप्शन, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, समूह कार्य के दौरान बच्चों को नेतृत्व का अवसर मिलता है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, स्वयं मूल्यांकन का अवसर मिलता है। तो खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समूह कार्य करवाते समय शिक्षक की अपेक्षित अनुभूति, कोर्स न पूरा होने की आशंका, समय की बर्बादी, कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा, सीखने सिखाने में सुगमता, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सीखने सिखाने में सुगमता। अगला प्रश्न है, शिक्षक समूह कार्य की योजना बनाते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान सिर्फ विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय पर। तो शिक्षक जो योजना बनाते हैं वो कक्षा शिक्षण और गणित विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान सभी पर बनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में समूह कार्य को आयोजित करने से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। समूह कार्य के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण किया जाना चाहिए। समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका निर्धारण किया जाना चाहिए। गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए। समूह कार्य हेतु समय का आवंटन कर लेना चाहिए। समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 वाला डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दिखाए गए वीडियो में समूह कार्य के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकरण पर चर्चा कर रही हैं। अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखी है तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मंद परिवर्तन एवं तीव्र परिवर्तन पर चर्चा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, समूह कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं, एक ही कार्य सभी समूहों को, आधे समूहों को एक तरह का, आधे समूहों को दूसरी तरह का कार्य, सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य और सभी समूहों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह का कार्य। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य हम समूह कार्य में बच्चों को आवंटित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समूह कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है, समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधि से क्या सीखेंगे। समूह में बच्चे क्या बात करेंगे, सी ऑप्शन है, समूह में बच्चों से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, और डी ऑप्शन है, समूह में कौन कौन से बच्चे बोलेंगे। तो इसका ए ऑप्शन, समूह में बच्चे क्या करेंगे तथा उक्त गतिविधि से क्या सीखेंगे, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को समूह कार्य में संलग्न होने पर क्या लाभ होते हैं। बच्चे समूह कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा लेते हैं, बच्चों की झिझक दूर होती है, बच्चों में एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है, उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। जी हाँ, इससे उपरोक्त सभी लाभ होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समूह कार्य करवाया जा सकता है सिर्फ विज्ञान व गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व भाषा विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व सामाजिक विषय पर, सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारे 10 प्रश्न सही हुए, हमारा स्कोर 10 हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार।